आप क्या नाम है नगर पंचायत को दे दिया तो उसमें क्या हुआ कि प्राथमिक शिक्षा की समझ वहाँ पर है ही नहीं। प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता प्राथमिक या पंचायत स्तर पर बेटर हो सकती है। तो आपका आंसर उस रूप में हो सकता है कि भाई क्यों नहीं नगर निगम को दे दिया, और नगर निगम वाला भ्रष्ट हो गया तब फिर क्या करेंगे, वहाँ तो आप जा भी नहीं सकते, यहाँ तो आप मुखिया हैं तो मुखिया पर जाकर दबाव भी बना सकते हैं, गाँव वाले जाकर दबाव बनाएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, इस तरह का ये हो रहा है, वहाँ तो आप पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। इनका प्रैक्टिकल तीन चार बार मुखिया के पास गए, बोले नहीं आप भी पैसा लीजिए हम भी पैसा लेंगे, साइन करेंगे कि हमारे पापा सीनियर वो गलत कर ही नहीं सकते, इंसान गलत ना दे लेकिन हम लोग गलत कर ही सकते, उनका हिम्मत ही नहीं गलत करें। तो पांच छह बार गए नहीं है साइन किया, अंतिम बिना साइन किए वो डीओ को दे दिए डिस्ट्रिक्ट, किसी का सिलेक्शन हुआ नहीं तो स्ट्रेंट हुआ, लेकिन मुखिया कह रहे मेरे इतना आदमी है जब तक आप इतना आदमी को नहीं डालेंगे रोस्टर में हम साइन नहीं। फिर क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, अब देखो अब वहाँ टीचर नहीं मिलेगा फिर जो मतलब ये मुखिया नहीं करती हाँ वही गांव में भी देखते हैं जो मुखिया है अपने ही आदमी को जो विभिन्न तरह का जो पोस्ट होता है वो अपने आदमी को रखता ही है। अभी इधर बिहार महादलित मिशन के तहत जो है जो शिक्षा मंत्री के भर्ती किया गया सर, मैं खुद अपना रियलिटी बताऊं बिहार महादलित मिशन तो हमको लग रहा है खत्म हो गया फिर नहीं, वो पहले जो भर्ती किया गया था उसके भर्ती शिक्षा मित्र जो है उसका एस्टैब्लिश हुआ हाँ हो गया भर्ती हो चुके हैं। अभी तो रिजल्ट उसका कहा कि दिया ही नहीं शिक्षा मित्र नहीं, उसमें एक महादलित अधिकारी का नियुक्ति का एक निकाला था अधिकारी वाला नहीं, जो शिक्षा मित्र है उसका काम था क्या जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उसको स्कूल तक पहुंचाना, लेकिन वो करते क्या है प्रिंसिपल उसको स्कूल में बैठा के रखते हैं, वहाँ एज ए टीचर उसको पढ़वाते हैं और एक टीचर के किसको पढ़वाते हैं जो शिक्षा मित्र जिसकी वैकेंसी है उसका काम पढ़ाना नहीं है, उसका काम तो जो जो बच्चे नहीं जा रहे हैं अवेयरनेस फैलाना, अच्छा उसी से पढ़वा लेते हैं हाँ, उसको जो है स्कूल तक पहुंचाना, लेकिन वहाँ क्या करते हैं एक टीचर की कमी निकाल करके उसको लगा देते हैं, अब प्रिंसिपल उसको काम करना पड़ता है। हाँ तो वो प्रॉब्लम में बताना है, वो प्रॉब्लम में बताना है आपको, तो आपको पॉजिटिव वे में वहाँ बताना है, प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं जो प्रॉब्लम में आएंगे हम लोग तो इसकी चर्चा करेंगे, और प्रॉब्लम में आप जो देख रहे हैं उसको कोट करिए वहाँ, तो बिहार के लेवल बिहार में क्या हो रहा है बिहार के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है तो उसको कोट करिए कि हाँ प्राथमिक शिक्षा जैसे आपको डायरेक्शन मिल गया कि आपको कहाँ जाना है किस संबंध में कौन सा विषय लिखना है। अब पंचायती राज संस्था में शिक्षा के बारे में तो लोग सोच नहीं सकता है कि कई बार सोचता है कि उसको लिखना क्या है इसमें, तो अगर पता है आपको कि प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना प्राथमिक शिक्षा की जो जिम्मेदारी है नीति निर्माण की जिम्मेदारी वो किसकी है पंचायती राज संस्थाओं, तो अगर वहाँ पर ये पता है तो पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कैसे बनाया जाएगा, आखिर में कोई ना कोई तो उपाय होगा जिससे मजबूत किया जाएगा, तो उसके लिए क्या करना, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो ये तो जनप्रतिनिधि करते रहेंगे ऐसे ना। शहर के प्राइमरी स्कूल से किसे होते हैं वो तो नगर निगम, नगर निगम के थ्रू होते हैं बिहार में हाँ बिहार में भी होता है, पहले तो राज्य सरकार के कर्मचारी हुआ करते थे पहले जो होते थे हाँ बोलो, मतलब ऐसे कैसे कर भारतीय नागरिक शिक्षा का जो अधिकार है उसमें तो तो टीचर तो होंगे ही कहीं ना कहीं, अब मान लो कि अभी ऐसा साइन नहीं किया हो सकता है कि उनका ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर तो पहले तो ऐसा है कि पहले तो टीचर उस स्कूल में होंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं होंगे टीचर, पहले तो होंगे ना वहाँ टीचर, उस पंचायत के अंतर्गत जितनी बाहरी होता है वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट स्कूल के हेडमास्टर को दे दीजिए, आप रोस्टर तैयार करके उस पंचायत की बहाली कीजिए। हाँ तो तत्काल मान लो कि रुक गया होगा, तत्काल वो रुक गया होगा, पुराना जो टीचर होगा वो तो चल रहा होगा वैसे ही तो चलता रहेगा, तो रुक नहीं सकता। आप जैसे तुम कह रहे हो जैसे राइट टू एजुकेशन है उसमें है बच्चों को एडमिशन लेना है, बच्चों को एडमिशन लेना है तो बच्चों को तो एडमिशन हो ही रहा है, वो तो होएगा ही, मतलब ये है कि ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी माध्यम से बात करें पंचायत, लेकिन वो शिक्षकों से दूर नहीं कर सकते हैं विद्यालयों को शिक्षकों से हाँ वो नहीं, वो तो वो लीगली थोड़ी लिख के दे रहा है,
पंचायत लेवल पर शिक्षक की बहाली होगी, ब्लॉक लेवल पर बहाली होगी, जिला स्तर पर पंचायत लेवल पूरी तरह से मुखिया को दे दिया गया एकदम। तो है वही वाली बहाली, वही चीज है ना, हमने कहा ना कि तीन स्तर बना हुआ है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। माध्यमिक शिक्षा जो है वो पंचायत समिति को दे दिया गया है और प्राथमिक शिक्षा जो है वो दे दिया गया है पंचायतों को। तो पंचायत समिति के जो प्रतिनिधि हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं कौन, माध्यमिक विद्यालयों को, ठीक है, और हायर जो आपको जिला परिषद है वो नगर निगम के थ्रू हो रहा है, तो वहाँ पर नगर निगम का होगा, कुछ नगर निगम का होगा और कुछ जो आप कह सकते हो कि हाई स्कूल्स होंगे स्कूल के लेवल पे, उसको जिला परिषद नियंत्रित करेगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, पंचायतों के स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर भी तो तीन तरह के स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल। तो हाई स्कूल हो गया जिला परिषद के स्तर पर नियंत्रित करेगा, फिर पंचायत समिति जो है माध्यमिक शिक्षा को करेगा, और जो होना चाहिए सामान्यतः पंचायत का ही होगा। लेकिन कई राज्यों में है कि प्राथमिक को यहाँ कर दिया गया, प्राथमिक को ऊपर कर दिया गया है। कई राज्यों में ऐसा है कि विषय तो दिए गए हैं, संविधान संशोधन के अंतर्गत विषय रखे गए हैं कि विभिन्न स्तरों को दिया जाएगा बांट करके, लेकिन अभी तक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं किया गया। हाँ हाँ वही ना, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, राज्य ही कर रही है अभी। हाँ यही नहीं, हरियाणा में भी है कई जगह, क्योंकि राज्य की भी अभी अपनी मजबूरी, जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ कर दिया तो ये प्रॉब्लम बढ़ गया, तो उससे बेहतर है कम से कम राज्य कर रही है तो बेटर अपॉइंट तो हो रहा है, अपॉइंटमेंट तो रेगुलर वे में हो रहा है। हाँ योग्य लोग आ रहे हैं तो इस वजह से नहीं दिया जाता है, कई जगह ऐसा है। तो ये प्रॉब्लम है पंचायत का कि नहीं दिया जा रहा है, ये पंचायत का अपना प्रॉब्लम, उसका वो पावर लूज कर रहा है। लेकिन सरकार की है कि सरकार नहीं दे रही है इसलिए कि वो एक तो समझती है कि हमारा पावर छीन रहा है, दूसरा है वो समझती है कि बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होगा। तो ओवरऑल जो है जब तक पंचायत पूरी तरह से मजबूत नहीं हो जाएगा तब तक ये काम पंचायतों को पूरी तरह से सुपुर्द कर देना भी सही नहीं है, और ये सरकार के समक्ष एक चुनौती है। हाँ जागरूकता जिस तरह का होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। उसी तरह से ऑडिट की बात है, पंचायत में ऑडिटर है, अब जैसे ऑडिटर है तो आपने आपके यहाँ ऑडिटर अलग बना दिया है, पंचायती राज संस्थाओं का अलग ऑडिटर है, बिहार में ऑडिटर अलग नहीं है, बिहार में वही राज्य सरकार के जो प्राइवेट के राज्य सरकार के जो अपने कर्मचारी हैं वही ऑडिटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग ऑडिटिंग तो ठीक है, ऑडिटिंग भी वही कर रहा है लेकिन उस सीएजी के बिहाफ में करेगा। अच्छा सर, एक बिहार में सीईओ है और यूपी में तहसीलदार, दोनों से अभी बताएंगे, पहले इसको हम कर लें उसके बाद बताते हैं। तो हमने क्या कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में लोकतंत्र को प्रहरी के रूप में स्थापित करने के लिए जो आवश्यकताएँ हैं वो क्या हैं, जन प्रतिनिधियों का स्वच्छ एवं निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव होना चाहिए, जनता को अधिकार होना चाहिए कि वो बेहतर प्रतिनिधि का चयन करे, इसके लिए जागरूकता और ये सब की व्यवस्था होनी चाहिए जो राज्य सरकार के जिला के स्तर पर संभव है, पंचायत के स्तर पर संभव है, क्योंकि वो समस्त कार्य संविधान के द्वारा दिए गए हैं जो जिला स्तर पर आवश्यक है, ठीक। दूसरा हम कहेंगे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सबको समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए, इसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। तीसरा हमने कहा कि हमने फंडिंग की व्यवस्था की, क्योंकि बिना फंडिंग के ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता, इसलिए इनको फंडिंग की व्यवस्था भी की गई है, फंडिंग को मजबूत करने की व्यवस्था भी कई तरह की गई है। उसके बाद हमने कहा कि नेक्स्ट जो है जैसे चुनाव की है तो चुनाव की व्यवस्था की गई है, चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। फिर हमने कहा कि ऑडिटिंग होना चाहिए, अकाउंट जो खर्च किया पंचायतों को दिया वो कहाँ खर्च हुआ उसका ऑडिटिंग होना भी ज़रूरी है, अगर ऑडिटिंग नहीं होगा तो फिर तो इम्बेजलमेंट और कई तरह के जो भ्रष्टाचार होंगे, पैसा कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, इसे जो लीकेज हो रहा है लीकेज को कम करने के लिए ऑडिटिंग होना ज़रूरी है। इसलिए कहा कि एक ऑडिटर होना चाहिए पंचायती राज संस्थाओं का, अलग तरह से ऑडिटर होने चाहिए, ताकि वो क्या है, हम कहते हैं ना कि ऑडिटिंग वह एक आप कह सकते हो आँख है जिसके माध्यम से यह देखा जाता है कि जनता का एक बहुमूल्य जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। सो ऑडिटिंग यू कैन से इज टेकन एज एन आई ऑफ द व्हाट यू से कॉमन पीपुल दैट कैन एबल टू सी हाउ एंड वेयर बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एंड
टू व्हाट मींस दे वेर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन टू एग्जीक्यूट और व्हाट यू से टू व्हाट यू से एक्सपेंड देयर वैल्यूएबल मनी. जनता का जो वैल्यूएबल मनी है वो कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, ऑडिट की ये परिभाषा है. तो ये जरूरी है कि जनता चूंकि अपने गाढ़ी कमाई का हिस्सा दे रही है सरकार को, सभी स्तरों पर दे रही है, पंचायत के स्तर पर दे रही है, वो कलेक्ट होकर के जा रहा है फिर आ रहा है यहाँ, तो ऑडिटिंग भी बेटर होना. वो चूँकि ऑडिटिंग किसका काम है, पार्लियामेंट्री फंक्शन है. ऑडिटिंग जो है स्टेट का सब्जेक्ट, ठीक है, और स्टेट का सब्जेक्ट है तो स्टेट ऑडिटिंग करवाएगा किससे, स्टेट के जैसे हमने कहा कमीशन से जाते हैं ऑडिटर्स सेलेक्ट होकर के और ऑडिटिंग करते हैं. तो पंचायत ऑल्दो कि वो अलग काम करते हैं, मतलब पंचायती राज संस्थाओं के ही ऑडिटर होते हैं, लेकिन बहाली जरूरी नहीं है पंचायती राज संस्थाएँ करें, वो तो सरकार की अपनी जिस तरह की व्यवस्था बेटर समझी जाएगी उस तरह की जाएगी. बिहार में क्या है कि यहाँ पर कैडर बन गया यूपी में कि कमीशन से ही पंचायत ऑडिटर जो है वो सेलेक्ट होंगे. बिहार में ऐसे कोई ऑडिटर के लिए कैडर नहीं है अभी, तो हाँ होगा आगे, अभी चल रहा है. तो वो ऑडिटर की व्यवस्था होनी चाहिए, कैडर बनना, मतलब कैडर का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिटरली समझे कि वो उसी में काम करेगा. जैसे नगर निगम का कैडर बन गया तो आप नगर निगम के एग्जीक्यूटिव बनेंगे तो उसी में काम करेंगे. ट्रांसपोर्ट का कैडर बन गया तो वही होगा. एक समय में जो बीडीओ होते थे वही सेल टैक्स का भी काम करते थे, एक समय था, जमाना था. उस समय सोच रहे हो कि पीडीओ का पद जो है कितना बड़ा होता होगा, वो एक छोटा डीएम ही था. सेल टैक्स ही नहीं, सारा चीज ट्रांसपोर्ट से लेके सेल टैक्स से लेके रेवेन्यू से लेके सारा जो काम था सब तो उसी को करना था, एडमिनिस्ट्रेशन और उसके जो सब्सिडी वर्क थे. तो एसडीएम के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो एसडीएम तो उसके ऊपर था, एसडीएम को तो कुछ था नहीं, मेन तो फील्ड में जो काम करेगा उसको फायदा होता है ना. अब ना एसडीएम मान लो फुल फ्लेज्ड हो गया, उसको पावर दे दिया कि इससे इतना वाला लेवल होगा तो उसके पास जाएगा, इससे इतना होगा तो इसके पास जाएगा. अभी भी एसडीएम सबसे निचला अधिकारी जो है, जो काम करने वाला अधिकारी, वो बीडीओ ही होता है. इसलिए एसडीएम भी काम करवाएगा बीडीओ से ही, एसडीएम का भले वो उसमें कमीशन बना रहेगा लेकिन काम करेगा बीडीओ. और जो काम करने वाला होगा, जो काम करने वाला वो काम करेगा, और जो नहीं काम करने वाला वो नहीं ही करेगा. हाँ क्या करे थे, हाँ एसडीएम तो है वहाँ पे, एसडीएम को चूँकि उसका एक एक्चुअली में क्या है कि वहाँ एक लीगेसी बन गया है. लीगेसी मतलब समझ रहे हो कि उसका एक इतिहास है. बिहार में ऐसा नहीं कि पावर नहीं, एसडीएम जो पद पर है फुल फ्लेज उसको पावर है, लेकिन सबको एसडीएम मिलता ही नहीं है, यही दुर्भाग्य है. यहाँ एसडीएम जैसे सेलेक्ट हुए यूपी में तो आपको एसडीएम मिलेगा, और यहाँ क्या है कि एसडीएम अगर पद आप सेलेक्ट हो गए तो एसडीएम मिलेगा जरूरी नहीं है. अभी आप घूमेंगे प्रॉपर आपका प्लेसमेंट होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उतना पद खाली होना चाहिए ना. आप पहले से प्रमोशन वाली व्यवस्था भी किए हुए, वहाँ प्रमोशन की व्यवस्था है नहीं. बहुत टाइम लगेगा, बैठे हुए कैसे आएगा, ठीक है. तो तब तक इन सबों की बहाली किस में करके रखते हैं सर, कई है, कई जगह है. अब जैसे एडीएम नहीं बनाएगा, एडीएम तो बहुत ऊपर हो गया, वो आपको क्या करेगा, ज़्यादातर क्या होता है कि आपको जैसे मान लो कि खाद्य आपूर्ति है तो उसमें बना दिया पदाधिकारी, ठीक है, आप चले गए उसमें काम कर रहे हैं, जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी हो गए, उसका अलग से तो कैडर बना नहीं, तो उसी में आप अपना काम कर रहे हैं. आपको बना दिया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो है आपको बना दिया अधिकारी, कार्यपालक अधिकारी ICDS. आप जो नीचे वाला जो अधिकारी होती है महिलाएं क्या होते हैं, बाल विकास अधिकारी, CDPO का जो हेड है वो बना दिया. आप भी आराम में है, ठीक है. दूसरा वही दम करें, आप भी आराम में है, ये बना देता है. या फिर ये तो बाद की बात है, इसके पहले क्या होगा, अभी जो पहली बार बहाली हुई थी 53 से 55 में, उसको क्या किया कि DM के ऑफिस में एक चेयर दे दिया था, वही बैठा रहता था बस. और गाड़ी चढ़ने के लिए पेट्रोल नहीं था, अब पेट्रोल का पैसा मांगता था BDO से. इसका जो जूनियर होता है BDO,
उससे मांगता था पैसा पेट्रोल भरवा दो, ये तो स्थिति थी। जब काम ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, वेतन वेतन तो आप समझेंगे कि वो वेतन तो नमक का दरोगा परे हो गए तुम लोग ना, दूध का चांद होता है तो वही था, वही हाल होता है, तो वही बातें हैं। हाँ, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? तो कुल मिला के हमने लोकतंत्र की प्रहरी को अगर पूछेगा तो इस तरह से एग्जाम्पल देके सब्सटिट्यूट करेंगे, उसको लिखाएंगे क्रम में, उसको लिखाएंगे। हाँ, बोल रहे थे क्या? बिहार में सीओ और यूपी में तहसीलदार दोनों सेम है कि दोनों में अंतर है? अंतर है। देखो सीओ क्या है वहाँ बता रहे हैं, वो डीएसपी होता है, डीएसपी। वो देखो 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 बता रहे, एक मिनट देखो, ये डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, सब डिवीज़न है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट का तो हेड हो गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी हो गया, डीएम जिसको कहते हो, और सब डिवीज़न का हेड हुआ एसडीएम, एसडीओ जो जिसको एसडीएम कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इधर से आ जाओ, ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। अब पंचायती राज संस्था में देखो कि जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ठीक है, और फिर ग्राम पंचायत है। इसका जो हेड होगा वो बीडीओ होगा, ठीक है। इसका जो हेड होता है वो एक तरह से डीडीसी होता है, बिहार की बात करें इस तरह से। अब यहाँ यूपी में क्या है, उत्तर प्रदेश में, कि डिस्ट्रिक्ट जो है जिला तहसील में बटा हुआ है, ये वर्ड यूज करते हैं यहाँ, अनुमंडल यूज करते हैं। तहसील जो है ये, अब जैसे जिला हो गया, तहसील हो गया, तो तहसील को क्या किस रूप में बांटे हैं, ब्लॉक्स में बांटे हैं। अब जैसे है, अब मान लो कि ये तहसील है, तो तहसील का जो हेड होगा वो तहसीलदार होगा, लेकिन यहाँ पर तहसीलदार से भी ऊपर पद पद होता है, ठीक है, जो एसडीएम होता है। तो एसडीएम जो है तहसीलदार से भी ऊपर होगा यहाँ पर एसडीएम, ठीक है। तो एसडीएम यहाँ का तहसीलदार से क्या होगा, ये जो यहाँ पर तहसील है नहीं, यहाँ पर एसडीएम जो है ये इस रूप में। अब एक जो बिहार में पद क्रिएट किया गया है, एक है ये इसका असिस्टेंट के रूप में एसडीओ है ना, तो एएसडीओ असिस्टेंट सब डिविजनल ऑफिसर। तो अब आपकी जो बहाली ज़्यादातर जो संख्या बढ़ रही है ना बहाली की, उसका कारण यही है कि ये पद भी क्रिएट किया गया, इसलिए इस पद पर भी बहाली। और जो सर्किल है वो अपना जो बिहार में सर्किल कहते हो ना, वो रेवेन्यू के कलेक्शन के दृष्टि से, ठीक है, जिला को बांटा गया है कई, ठीक है, सर्किल में, कई सर्किल में बांटे गए हैं, और उसी तरह से कानून व्यवस्था के लिए भी बांटे गए हैं। रेवेन्यू हो गया, तो ये सर्किल देख रहे हो ना, सर्किल यूपी में सर्किल ऑफिसर, तो डिस्ट्रिक्ट को कई सर्किल में डिवाइड किया गया है कानून व्यवस्था को बेटर बनाने के लिए। इसलिए सर्किल आपको कहीं भी मिल सकता है, किसी भी स्टेट में, एक सामान्य वर्ड हो गया ये सर्किल ऑफिसर का मतलब। यहाँ पर एसडीएम, ये डीएसपी इसलिए है कि जब डीएसपी सर्किल में काम कर रहा है तो डीएसपी है, जब वही टाउन में काम करेगा तो सीधा डीएसपी होगा, तो सर्किल का हेड नहीं होगा। तो सीओ वहाँ इस रूप में कहते हैं, और वहाँ जो है ये जो ब्लॉक देख रहे हो ना, ब्लॉक, ये ब्लॉक ये सर्किल में बटा हुआ है। ठीक है, ये सर्किल के हेड जो है वो होते हैं सीओ। तो कहाँ ये सर्किल, कहाँ ये सर्किल, दोनों में अंतर है, ठीक है। जो एसडीओ है सर, उसको डीएम तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? किसको?
15 से 12, 13, 14 साल लग गए, कम से कम 10 साल तो मिनिमम है, लेकिन पहला प्रमोशन 12 साल में होता है। लेकिन SDO को DM बनने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि SDO जो है, SDO बनेगा तो ADM बनेगा पहले, DM नहीं बनेगा सीधा, ADM बनेगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के अंदर कई विभाग हैं, कई विभाग हैं, ये सामान्य प्रशासन का सब डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट का डिवीज़न सब डिवीज़न में हो गया, अब सामान्य प्रशासन का डिवीज़न इस रूप में है तो इसका हेड ये हो गया। लेकिन यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई खाद्य आपूर्ति विभाग है, कोई ये विभाग है, कोई वो विभाग है, तो यहाँ से जब प्रमोशन होगा तो DM के अंदर आप इस विभाग के ADM बन जाएंगे, या इस विभाग के ADM आपके जो भी हैं फ्रेंड वाले सब सबको कहीं ना कहीं चाहिए ना, नहीं तो सब कहेगा हमको DM अब चाहिए, तो आप इस तरह से घूमें और तब फिर DM बनेंगे। तो ये तो आपको 12 से 13 साल तो इसी में लग गया, कई बार 15 साल भी लग सकता है, उसके बाद 10 साल में आप जो है आगे बढ़ेंगे। बिहार में तो ऐसा होता नहीं था, चूँकि BDO को पहुँचने में, यहाँ पहुँचने में 15 साल, SDM पहुँचने में, फिर 15 साल से 10 साल यहाँ पहुँचने में, फिर जो नया नया बहाल होगा, नहीं तो 30 साल में बहाली होगा तब भी 30 साल जाते जाते यहाँ ADM तक जाते जाते रिटायर। तो अब तो जाया जा सकता है, 10 साल का इम्पोर्टेंट, 10-12 साल का इम्पोर्टेंट टाइम आपका बच गया। अब RDO BDO बने हैं, अब तो RDO BDO ही मैक्सिमम बन सकते हैं, उससे आगे नहीं। RDO BDO बनेंगे, ये कौन कहा? नया जो कैडर आया, नहीं नहीं नहीं, नया कैडर जो, ये आज नहीं आया है, ये 4-3 साल पहले से घोषित है। RDO BDO ही नहीं बनेगा, ऐसा है ही नहीं। RDO जो है, हुआ था कैडर क्या कि RDO ये BDO बनेगा, ठीक है, और BDO बढ़ कर के DDC तक जाएगा। अभी भी नेट पे हमने एक डेढ़ महीना खोला था, देखिएगा देखिएगा, ठीक है, तो DDC तक जाएगा। लेकिन ये ख़त्म हो गया सिस्टम बिहार में, अब ये जो सिस्टम अब नहीं रहा, BDO अब RDO बनेंगे तो वो BDO भी बनेंगे और क्या नाम है, SDM भी बनेंगे फिर से। मतलब ये जो सिस्टम था ये कामयाब वहाँ नहीं हुआ। क्या अब जो है ये जो सिस्टम, ये सिस्टम कहा कि अब क्या होगा, ये हाँ क्या कर रहा है ये वाला ना, ये रीजनल डायरेक्टर हुआ, ये डायरेक्टर हुआ, इसके ऊपर डायरेक्टर हुआ, DDC तो लास्ट वाली डायरेक्टर है, ये BDO सीधे DDC थोड़ी बन जाएगा, रीजनल रूरल डेवलपमेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर डायरेक्टर बनेगा, हम जान रहे हैं ना, सब परे हैं सब। हाल में नहीं है ये, हाल का नहीं है ये, सीट जो क्रिएट किया है रीजनल सीट, हाँ वो आया था कंप्लीट, वो जो ये पिछले 56-59 में जो क्रिएट किया था ना, उसके 2 साल पहले ये डिक्लेयर किया था RDO नया जो सीट जो, हाँ उसी समय क्रिएट, अभी नहीं कोई क्रिएट हुआ है। ये पहला बहाली RDO का कब हुआ है पता है? ये आपको बहाली हुआ है 53 से 55 में। नहीं, ये करने के बाद नया सीट क्या एडिशनल, जितना सीट क्षमता थी मिला सरकार की उसको और क्षमता को, हाँ तो वही जब RDO पोस्ट बढ़ाएगा, जो 53 से 55 में ये सीट दिया, ये दिया ना, तो ये जब कैडर बनाएगा तब ना सीट देगा इधर, ये कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये 53 से 55 में सीट में आया तो कैडर बना होगा उससे 2 साल पहले कि अब हम ये पर इस पर काम करेंगे। जैसे अभी रेवेन्यू का सीट दिया है ना, CO वाला सीट पहले होता था थोड़ी, पहले तो सीधा BDO बनिए, HCO बनिए, तो अब का अब ये रेवेन्यू वाला जो CO बनेगा ये RDO नहीं बनेगा, इसके इक्विवेलेंट हुआ ये CO जो है ये अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, ये अल्टीमेटली जाएंगे DCLR तक, ठीक है, लैंड रिफॉर्म ये जाएंगे, सुनवाई करता है केस का, केस का सुनवाई भी करता है, पावर है उसको, पावर दिया गया है, क्या कहे, थोड़ा तैयारी करके यूपी आ जाए, क्यों क्या यूपी में संरचना सपाट है सीधी, हाँ बहुत ज़्यादा हाँ वो तो है, SDM से बिहार में जल्दी होता है, बिहार में
उत्तराखंड में अगर 12 साल 10 साल 22 साल लग जाता है 38 और क्या कर रहे थे